नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। हालांकि अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अर्जी वापस लेने की कोर्ट से प्रार्थना की थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया है। यह आदेश देते हुए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की कोर्ट ने अंसारी के बारे में गंभीर टिप्पणी की और कहा कि वो उत्तर भारत में रॉबिनहुड की छवि वाले अपराधी के रूप में देखा जाता है। गैंग चार्ट व दर्ज आपराधिक मुकदमों पर हुए कोर्ट ने कहा कि यदि याची गैंगस्टर नहीं है तो इस देश में किसी भी अपराधी को गैंगस्टर नहीं कहा जा सकता। मुख्तार ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 3 के तहत थाना तरवा जिला आजमगढ़ में 2020 में दर्ज प्राथमिकी में जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि याची गैंग लीडर है, उसके खिलाफ गैंग चार्ट डीएम से अनुमोदित है और 58 आपराधिक केस दर्ज है। लोग भय के कारण किसी केस में गवाही देने नहीं जाते और इसी वजह से उसे किसी केस में सजा नहीं मिल सकी। अपनी जान की हिफाजत के लिए चश्मदीद गवाह पक्षद्रोही हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाकों को दशकों तक अपनी खौफ एवं दहशत से डराने वाला गैंगस्टर मुख्तार अंसारी आखिरकार पंजाब जेल में बांदा की जेल में बंद हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी का ये विधायक यूपी पुलिस के हत्थे न चढ़ने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसकी हर चाल धरी की धरी रह गई। शीर्ष अदालत के आदेश के बाद पंजाब की सरकार ने उसे यूपी पुलिस को सौंपा। अंसारी अब बांदा की जेल में बंद रहेगा। उसकी सुरक्षा के लिए जेल परिसर एवं उसके बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात करेंगे। कोर्ट में यूपी सरकार ने दलील दी थी कि अंसारी के खिलाफ गुनाहों की फहरिस्त लंबी है, जिनका निपटारा किया जाना अभी उचित होगा। फिरौती के एक मामले में ये गैंगस्टर पंजाब की रूपनगर जेल में जनवरी 2019 से बंद था। अब इसे बांदा जेल की बैरक संख्या 15 में रखा गया है। तो फिलहाल आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।